पाकिस्तान की सीमा हैदर सरहद पार करके अपने प्यार के पास भारत आ गई है। हालांकि सीमा हैदर पर जांच भी चल रही है, क्योंकि ये शक भी लोगों और सरकार के मन में है कि वो कहीं पाकिस्तान की कोई जासूस ना हो। बता दें कि इस खबर और तमाम जांचों के बीच सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता के लिए भी आवेदन कर दिया है। आप सोच रहे हैं कि क्या ये संभव है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत में सिटीजनशिप पाने का क्या तरीका है, इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है और क्या एक विदेशी नागरिक भी देश की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की नागरिकता के लिए प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में निहित है। इस अधिनियम के तहत देश की नागरिकता 5 तरीकों से आप हासिल कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के तहत जन्म से नागरिकता पाई जा सकती है। हर वो शख्स जिसका जन्म भारत में 26/1/1950 और 1/7/1987 के बीच हुआ है, वो देश का नागरिक माना जाएगा। 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है, उन्हें तब नागरिकता मिलेगी जब उनके माता या पिता देश के नागरिक होंगे। जो शख्स 3/12/2004 को या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें नागरिकता तब मिलेगी जब उनके माता पिता दोनों देश के नागरिक होंगे या दोनों में से एक देश के नागरिक और एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अधिनियम की धारा 4 के तहत वंश के जरिए देश की नागरिकता मिल सकती है। इसका मतलब किसी भी शख्स का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले देश के बाहर हुआ है, तो उसे तब देश का नागरिक माना जाएगा। अगर उसके पिता के पास उनके जन्म के समय देश की नागरिकता होगी, यानी कि 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मे व्यक्ति की माता या पिता के पास अगर उसके जन्म के समय देश की नागरिकता होगी, तो उसे भी देश का नागरिक समझा जाएगा। वहीं अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि किस तरह पंजीकरण के जरिए एक व्यक्ति देश का एक नागरिक माना जा सकता है। भारतीय मूल का जो व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो जनरली अनडिवाइडेड भारत के बाहर किसी देश या स्थान का निवासी है और वो जिसकी शादी एक भारतीय नागरिक से हुई हो और आवेदन से पहले वो 7 साल तक देश में रहा हो, इस तरह से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 यानी कि सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में बताया गया है कि कोई क्षेत्र जो पहले देश का हिस्सा ना हो, केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद देश का हिस्सा बन जाता है, तो उसके सभी नागरिकों को अपने आप देश की नागरिकता मिल जाती है। अब जान लेते हैं विदेशी नागरिक कैसे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6 यानी समीकरण से मिल सकती है। वो विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन से पहले 12 साल देश में रहा हो, जिसमें 1 साल वो होना चाहिए जो आवेदन तिथि से बिल्कुल पहले पूरा हुआ हो, उसे देश की नागरिकता मिल सकती है। इस विदेशी नागरिक को इस अधिनियम की 3री अनुसूची में दी योग्यताओं को भी पूरा करना होगा। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और कानून से जुड़ी इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।